हिंदुस्तान के पक्ष की ओर से जयनगर मधुबनी पहुंचे मधुबनी के डीएम सह जिलाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच सैकड़ों वर्षों से अधिक अवधि से अतुलनीय प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। क्राइम सेवन न्यूज आपको बताए कि भारत नेपाल जिला स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति अर्थात बीडीसीसी की बैठक का आयोजन आज मंगलवार 19 अप्रैल 2022 को मधुबनी जिले बिहार के जयनगर स्थित 48वीं एसएसबी बटालियन के परिसर में आयोजित हुई। बैठक के दौरान डीएम मधुबनी अमित कुमार ने बिहार में मद्य निषेध कानून को प्रभावी रूप से लागू करने में मित्र राष्ट्र नेपाल की सहयोग की सराहना की, साथ ही इसे और भी प्रभाव बनाए रखने पर दोनों पक्षों ने बल दिया। इसके अतिरिक्त जाली नोट, करेंसी, प्रतिबंधित दवाओं व मानव तस्करी आदि मुद्दे पर आपसी समन्वय से प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया। वहीं इधर आगामी नेपाल में 13 मई 2022 को होने जा रहे स्थानीय स्तर के चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस संदर्भ में भारतीय पक्ष की ओर से संपूर्ण सहयोग की बात कही गई है। आसन्न नेपाल मित्र राष्ट्र में मतदान के मद्देनजर सीमा पर वाहनों की परिचालना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मतदान से एक सप्ताह पूर्व से ही दोनों देशों की सीमाओं पर वाहनों की संघन तलाशी लेने पर सहमति जताई गई। नो मैन्स लैंड सीमा में अवधि निर्माण पर दोनों पक्षों के द्वारा आम सहमति से निर्णय लिया गया। खबर के अनुसार बताया गया कि आम सहमति से दोनों देशों की संयुक्त सर्वेक्षण दलों द्वारा सर्वेक्षण कार्य संपादित कर सभी मसले का हल कर लिया जाएगा। बैठक में नेपाल से मुख्य जिलाधिकारी महतरी वासुदेव दहल, मुख्य जिलाधिकारी सिरहा लाल बाबू कवारी, मुख्य जिलाधिकारी सप्तरी जनार्दन गौतम सहित कुल 23 अधिकारी, उच्च स्तर के अतिथिगण आदि उपस्थित थे। जबकि भारत की तरफ से मधुबनी के डीएम सह जिलाधिकारी अमित कुमार, एसपी सत्यप्रकाश समेत फुलपरास एसडीओ अभिषेक कुमार, बेनीपट्टी एसडीओ आदि उपस्थित थे। बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आजाद की विशेष रिपोर्ट, क्राइम सेवन न्यूज।